धोखाधड़ी के मामले में आरोपी चल रहे सहारा प्रमुख सुब्रत राय को मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पहुंची है। बता दें कि दिसंबर 2021 में गुना की जिला अदालत ने सहारा चेयरमैन सुब्रत राय और उनकी पत्नी स्वप्ना राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इन सभी पर गुना कोतवाली थाने में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किए गए थे। सहारा इंडिया के खिलाफ मध्य प्रदेश में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि करीब 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के मुरैना, जौरा और कैलाश में सहारा इंडिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था, मगर 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ न सकी, जिसके बाद सहारा इंडिया के एजेंटों ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में सहारा इंडिया के एजेंटों ने पुलिस महानिदेशक से मांग की थी कि सहारा इंडिया के कारिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि सहारा इंडिया के धोखाधड़ी के मामले में निवेशकों के साथ अगर किसी को परेशानी उठानी पड़ रही है तो वह सहारा इंडिया के एजेंट है। एजेंट पहले निवेशकों द्वारा पैसा लेकर सहारा इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं, मगर जब सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया तो निवेशक सबसे पहले स्थानीय एजेंटों के खिलाफ ही अपने गुस्से को जताने लगे थे। Thank you.